दिन भर के प्रायोजक है होटल फाइव सेंसेस, एक एक टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। असत्य पर सत्य की जीत, विजयादशमी पर्व पर सिटी वन परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे फरियादियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात, समस्याओं को जान दिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान पहुंच तेंदुए के बच्चों का किया नामकरण, सफेद बाघिन व हिमालयन भालू को भी छोड़ा बाड़े में। वन विभाग द्वारा आयोजित वन्य प्राणी सप्ताह समारोह में बतौर मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ हुए सम्मिलित, कहा वन्य जीव पर्यावरण आदि की सुरक्षा को लेकर तय करे जिम्मेदारी। विजयादशमी पर भक्तों ने नाच गाकर मां को दी अंतिम विदाई। लूट की 6 घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर के साथ सामान खरीदने वाले दुकानदार को भी शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिर खुली नगर निगम के दावों की पोल, शहर के कई प्रमुख चौक चौराहों पर हुआ जल जमाव। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विसर्जित कराई जा रही हैं मां की प्रतिमाएं। और लगातार पिछले 12 घंटे से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने आम जनजीवन को किया अस्त व्यस्त। बुधवार की सुबह महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के समक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूर दराज से आए हुए लगातार सैकड़ों फरियादियों से मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री ने फरियादियों की समस्या को सुना और मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए न्याय संगत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा सहित बड़ी संख्या में फरियादी मौजूद रहे। क्या मामला है? कहाँ है वो? बलिया में। कौन दे रहा? श्रीनगर का मामला, कार्रवाई करा दो, FIR करा दो। अगर उसने चेक बाउंस हो गया तो एकदम कार्रवाई करा दो। क्या बात है? केस विभाग में है, इसमें मिड प्लेसन में छोड़ा होगा था। आप आवेदन करिए, जब समय आएगा उस समय होगा। क्या बात है? कहाँ का मामला है? आसगंज का। कार्रवाई क्या बात है? देवरिया का मामला, कार्रवाई। अरे आपने दे दिया। कौन मार रहा है? ये महाराजगंज का मामला है, कार्रवाई करें। कमराम कार्रवाई करें। क्या बात है? ये पैंतीयरगंज का है, वहाँ क्या उम्र है? आवास मिलेगा? कहाँ का मामला है? महाराजगंज का, कुछ चेक करेंगे आप बताइए। क्या हो गया है? कब से? देवरिया का मामला है।
यहाँ पे बलरामपुर में क्यों गिरा दिया, अगर चिंता मत करो हम कार्रवाई कराते हैं। भूल जाती रे, भूल जाती है, कौन क्लास में? अरे सरकारी में कौन क्लासें पढ़ती है? दो में, चार में, आठ में, बारह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस में तीसरे पढ़ती है, हैं? वन्य जीव सप्ताह के तहत शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिड़ियाघर में लाए गए तेंदुए के दो बच्चों का नामकरण किया, साथ ही सफेद बाघिन को बाड़े में भेजने की औपचारिकता पूरी की। वहीं कानपुर चिड़ियाघर से लाया गया हिमालयन भालू को भी बाड़े में छोड़ा गया। बता दें कि जून में लखनऊ से लाई गई सफेद बाघिन गीता को क्रॉल से बाहर निकालने की औपचारिकता पूरी कर उसे बाड़े में भेजा गया। सफेद बाघ अमर पहले से ही बाड़े में रखा गया है। प्रशासन की मंशा है कि चिड़ियाघर को प्रजनन केंद्र बनाया जाए। इस मौके पर वन मंत्री अरुण सक्सेना, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, प्राणी उद्यान के निदेशक आर राजा मोहन सहित बड़ी संख्या में संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कहाँ है ये नाम, कहाँ है? कहाँ है ये नाम, कहाँ है? कहाँ है ये नाम, कहाँ है?
भवानी चंडी कहाँ है भैया, नाम कहाँ है? भवानी चंडी कहाँ है भैया, नाम कहाँ है? वन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान वन्य प्राणी सप्ताह समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि वन्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना का अपर मुख्य सचिव मोहन सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत अभिनंदन किया। वन प्राणी सप्ताह के अंतर्गत आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रमों में विजेता प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान वन्य जीवों के प्रति संवेदना व पर्यावरण को लेकर जागरूकता किया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि वन्य जीवों के संरक्षण संवर्धन और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर हम सभी को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। इस मौके पर वन राज्य मंत्री केपी मलिक, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला सहित बड़ी संख्या में वन विभाग के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। प्लान बनाया है उसका मैं भी एक मेंबर हूं और उसमें हमने खास ध्यान इस बार दिया है कि यदि हम डॉल्फिन को या सूस को या सुसुक को हम बचाना चाहते हैं गंगा में या उसके ट्रिब्यूटरीज में, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उसका जो हैबिटेट है, उसका जो घर है, उसको स्वच्छ करना पड़ेगा। उसको स्वच्छ करने के लिए भारत सरकार नमामि गंगे अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है, पॉल्यूशन कम करने के लिए कार्यक्रम कर रही है, बहुत सारे एसटीपीज सीईटीपीज वगैरह बनाए जा रहे हैं, नेटवर्किंग किए जा रहे हैं शहर के, बहुत सारे चीज़ किए जा रहे हैं जिससे कि गंगा में प्रदूषित जल ना आ सके, तो ताकि जो यहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो अच्छे जल में रह सकें। दूसरी बात यह है कि हम इसमें किस तरह से कितनी ज़्यादा भागीदारी, लोगों की जो भागीदारी है उसको किस तरह से बना सकें, तो इसके अंतर्गत जो है अर्थ गंगा का जो कार्यक्रम हमने शुरू करी है उसके अंतर्गत घाट पे हाट हुआ या जो जल सफारी हुआ या और भी बहुत सारे कार्यक्रम हम कर रहे हैं जिसके अंतर्गत जो हम लोगों को जो जो हमारे जो ग्रामवासी हैं जो नदी के किनारे रहते हैं उनको किस तरह से हम नदी के साथ में गंगा जी के साथ में। स्वतंत्र प्रभार वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश, मैंने भी बच्चों से ये आग्रह किया है कि यहाँ पे अगर आपके घर में जगह नहीं हो, खाली धरती नहीं है, तो आप इस प्राणी उद्यान में आकर के पौधे लगा सकते हैं।
और यहाँ के वन्य जीवों को जो लोग आर्थिक रूप से सबल हैं वो गोद लेने का कार्य करें ताकि सरकार के ऊपर थोड़ा बोझ कम हो और आपको भी टैक्स में लाभ मिले। मैं इसी के साथ आग्रह करती हूँ एक पोस्टर रिलीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कि गांगेय डॉल्फिन संबंधी पोस्टर को यहाँ पे रिलीज करें ताकि कार्यक्रमों में पुनः हम आगे बढ़ सकें। ये पोस्टर रिलीज हो रहा है गांगेय डॉल्फिन का। प्रकृति के अनुसार मानव पर्यावरण व वन्य जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आश्रित हैं। ये पोस्टर रिलीज गांगेय डॉल्फिन वन विभाग द्वारा, इस प्राणी उद्यान द्वारा, शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान जो कि पर्यावरण के प्रति सभी को जागरूक करने की दिशा में एक अहम योगदान है। सात दिनों का वन्य जीव ये सप्ताह भर से प्राणी उद्यान में कार्यक्रम चल रहे हैं। इससे पूर्व भी समय समय पर प्राणी उद्यान इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करता रहता है। फेस पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है कुमारी दीपशिखा गुप्ता बीए तृतीय वर्ष ABRL कॉलेज गोरखपुर। कृपया मंच पे आ जाएं दीपशिखा गुप्ता। फेस पेंटिंग प्रतियोगिता में ये लाइन बन के हम सभी के समक्ष आई हैं। रंगोली प्रतियोगिता जो जूनियर वर्ग कक्षा 8 तक हुई थी इसमें 3 छात्राएं हैं कुमारी कविता, कुमारी जानवी और कुमारी रश्मि। ये छात्राएं बस जैसे ही दीपशिखा नीचे जाती हैं आप तीनों एक साथ मंच पे अपना स्थान ग्रहण करिए। कुमारी कविता, कुमारी जानवी, कुमारी रश्मि। रंगोली प्रतियोगिता जूनियर वर्ग क्लास 8 तक की हुई थी, न्यू एम्बियंस विद्यालय गोरखपुर को ये प्राइज मिल रहा है। ये इनके विद्यालय को प्राइज मिल रहा है न्यू एम्बियंस विद्यालय गोरखपुर। पुरस्कार हमें और भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके एस आर्ट्स के सचिन जी को। सचिन मंच पे आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। और इसी कड़ी में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुकी आद्या दिल्ली पब्लिक स्कूल तारामंडल की ये छोटी सी छात्रा हमारे बीच आ रही हैं। आद्या फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उनकी मैम भी उनके साथ हैं। ये जो प्रतियोगिताएं हमारे बीच इस अवसर पे हुई थी उन सभी के प्रतिभागी आपके बीच मंच पर। ये बहुत से और प्रतिभागी हैं लेकिन उन्हें बाद में उनके पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार हमारे टाइगर रिजर्व्स में, सैंक्चुरी में और जू में सभी जगह ये आयोजन किया जा रहा है महोदय। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी कुछ कारगर उपाय किए हैं। हमारी कोशिश रहती है कि इसको बड़े धूमधाम से हम मनाएं और इस बार नवरात्रि में ही ये हमारा वाइल्ड लाइफ सप्ताह मनाया जा रहा है। मैं सभी उपस्थित लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई मंत्रिपरिषद में अभी निर्णय लिए गए हैं जिससे कि वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। सर्वप्रथम उन्होंने लखनऊ में नाइट सफारी के लिए हमें हरी झंडी दी है और हम लोग नाइट सफारी का वहाँ निर्माण करेंगे। साथ ही साथ हम लोग
को मुख्यमंत्री जी ने पहली बार पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है उसका फाउंडेशन कैबिनेट से अप्रूव किया है। रानीपुर बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है बुंदेलखंड में, जो कि कैबिनेट से अप्रूव हुआ है और शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा। और आने वाले दिनों में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कॉर्बेट का बफर जोन माना जाता है, लेकिन वहाँ पर बड़ी अच्छे तादाद में टाइगर्स हैं, तो वो भी हमारा आने वाले दिनों में अप्रूव होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सबसे मील का पत्थर जो काम किया गया है वो इको टूरिज्म बोर्ड का गठन। इको टूरिज्म की अपार संभावनाएँ हैं यूपी में, और इसमें हम अवगत कराना चाहेंगे कि 5 प्रस्ताव हमारे ऑलरेडी हम लोगों ने प्रेषित कर दिए हैं। एक सोगी बरवा का है सर, नवाबगंज का है, सुरहा ताल बलिया में है, और हमारा अमानगढ़ है, और स्वस्थपुर अमेठी में है, रायबरेली में है सर। ये जो प्रस्ताव दिए गए हैं वो हम लोग वन विभाग के अंदर के क्षेत्र में प्राणी उद्यान में 35 एकड़ का वेटलैंड है, काफ़ी बड़ा वेटलैंड है, और जाड़े में यहाँ बहुत चिड़ियाँ आती हैं। बर्ड वाचर्स के लिए ऐसी जगह कम मिलती है जहाँ आप एनिमल भी देखें और बर्ड्स भी देखें एक साथ। अब तक इस प्राणी उद्यान में 80 से अधिक छोटे बड़े वन्य जीव का जन्म हुआ है और उनके नाम अलग अलग रखे गए हैं। प्राणी उद्यान के द्वारा किए जा रहे हैं बच्चों में जागरूकता के कार्यक्रम, विशेष अवसरों पर बच्चों को फ्री में प्राणी उद्यान को दिखलाना, बच्चों से उनके द्वारा ड्राइंग बनवाना, पेंटिंग बनवाना, उनको इसकी जानकारी देना, जो यहाँ के माध्यम से हमारे विभाग के द्वारा हो रही है, उसके लिए मैं यहाँ प्राणी उद्यान के डायरेक्टर और विभाग के सभी लोगों को बधाई दूंगा। यहाँ पर एक हिमालयन काला भालू भी आया है, मादा भालू कानपुर से और नर भालू लखनऊ से, वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अभी ये भालू क्वारंटीन पर रखा गया है, जल्दी ही आपको मिलेगा। हिरण की संख्या भी यहाँ पहले से काफ़ी बढ़ गई है, मगरमच्छ और कछुए भी यहाँ पर पैदा हो गए हैं, वो भी आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। सुंदर पक्षियों की संख्या इतनी बड़ी है कि दूर दूर से लोग अब की बार जाड़े में आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनको वन्य जीव से विशेष प्रेम है, चाहे वो कोई भी पेड़ पौधा हो या एनिमल हो, उन्हें बहुत प्रेम है। और एक बात बच्चों और बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पर सुबह उठते ही पहला काम किया, पौधा लगाया। मैं यहाँ सभी बच्चों से कहूँगा अपने जन्मदिन पे एक पौधा ज़रूर लगाना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तेंदुए का उसको संरक्षित करके, रेस्क्यू करके उसको यहाँ लाया गया। आज वह लगभग 3 महीने का हो चुका है और मैंने स्वयं उसको अपने हाथ से दूध भी पिलाया वहां पे। और एक महीने का रहा होगा, आज वो काफी बड़ा हो गया है, वो अंदर ही था। यानी वन्य जीवों के प्रति हमारा यह भाव रामचरितमानस की उन पंक्तियों को प्रदर्शित करता है। मैंने 3 यहां पे तेंदुए के अलग अलग उम्र के उसको देखा है, एक जो 3 महीने की अब हुई है, मुश्किल से 6-7 दिन की थी वो जब उसको रेस्क्यू किया गया था। अगर रेस्क्यू नहीं किया गया होता तो उसको जंगली जानवर अन्य मार देते या लोग मार देते। जो 1 महीने का भी नहीं था उसको भी रेस्क्यू किया गया, वो आज बड़ा हो चुका है। और एक महाराजगंज में एक जाल में फंस गया था, उसका पूरा पंजा खराब हो गया था, और 15 महीने का है, अच्छा हेल्दी हो गया है। तीनों को देख करके मैं आज इस बात को देख रहा था कि जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, हित अनहित पशु पक्षी जाने,
मैं देख रहा था वहां पर, जब वहां रवि किशन जी गए तो उन पर वो झपट पड़ा पड़ते दो, लेकिन जैसे मैं उसके सामने गया वो एकदम शांति से बैठ गया, यानी इसका मतलब पहचान गया था मुझे और उसको मालूम था कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन वहां पर मैं देख रहा था कि वह औरों पे भड़क रहा था, लेकिन मैं भी उसके सामने था, मुझ पे भड़क नहीं रहा था। एक जंगली जानवर है, तेंदुआ है, 15 महीने का है, जंगल के अंदर विचरण करने वाला था, स्वच्छंद वातावरण में घूमने वाला था, एक जाल में फंस गया। वन विभाग ने उसको वहां से रेस्क्यू करके यहां लाया गया, उसकी जान बचाई गई, उसके पंजे का उपचार किया गया और उपचार करने के बाद आज वह फिर स्वस्थ जीवन यापन कर रहा है। इससे पहले आप याद करिए, आज से लगभग 5-6 महीने पहले मैं यहां आया था और उस समय मार्च के महीने में मैं आया था। उस समय आपने देखा होगा राइनो आया था यहां पे, राइनो नहीं आ पाया था और मैंने असम के माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत की थी, तो 10 मार्च को उन्होंने वहां से प्रस्थान करवाया था और यहां पर 13-14 मार्च तक राइनो आ गए थे और उसके एक सप्ताह के बाद मैं स्वयं यहां आया था। मैं उनके बाड़े में गया था और जब बाड़े में गया था तो मैंने उसको जब पुकारा, जो वहां पर केयरटेकर था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या नाम है इनका, उसने नाम बताया, मैंने उनको बुलवाया, आया मेरे हाथ से केला खा करके फिर चला गया। देखिए उन्हें मालूम है कौन हमारा हितेशी है, कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उसके अंदर उस प्रकार का स्पंदन है जो उसे अपने हित और अनहित दोनों के बारे में जानकारी देता है। और आज विजयादशमी का पर्व है, पूरी रामायण की गाथा जो है ना, यह हम सबको प्रत्येक जीव और जंतु के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में एक नई प्रेरणा भी देता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए, पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन कैसा होना चाहिए, प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, जीव और जंतुओं के प्रति हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, पूरी रामायण में अगर आप देखेंगे अरण्य कांड ही उसमें एक आ जाता है। भारत की पूरी ज्ञान संपदा कहीं है तो उसी अरण्य में है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935908111।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। शारदीय नवरात्र पर भक्तों ने 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद दशमी पर माँ के विभिन्न संसाधनों के माध्यम से विदाई कर रहे हैं। ढोल नगाड़ा व बैंड बाजी के साथ माँ की शोभा यात्रा निकाली जा रही है और भक्त नाचते गाते माँ को अंतिम विदाई दे रहे हैं। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत शाहपुर थाने की पुलिस ने 6 लूट की घटनाओं को कारित करने वाले शातिर अभियुक्त अभिषेक भारती व लूट का सामान खरीदने वाले अभियुक्त आदित्य वर्मा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ही अपराधियों के खिलाफ गोरखनाथ शाहपुर व कैंट थाने में अभियुक्त पंजीकृत है। वहीं पुलिस ने इनके पास से 4 सोने की चैन, अवैध तमंचा व एक आईफोन भी बरामद किया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने घटना का खुलासा करने वाली टीम को 20,000 के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया है। चलिए चलिए, बढ़िया यार, गुड वर्क, शाबाश। ठीक है, लगे रहो, लूट नहीं होनी चाहिए। नहीं इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना शाहपुर पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छा गुडवर्क किया है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे छिनेत को गिरफ्तार किया है जो पिछले 2 से 3 महीने में 6 लूटे जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानों में कर चुका था। यह व्यक्ति पहले सब्जी मंडी वगैरह ऐसी जगहों पर जाता था, रेकी करता था, रेकी करने के बाद में आइडेंटिफाई करता था कि किस महिला ने चैन पहनी है एवं उसके बाद में उसका पीछा करते हुए सुनसान सी जगह जहां पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं हो उस जगह पे चुनौती की घटना कारित करता था। इस तरह की 3 घटनाएं इसने थाना शाहपुर में कारित की थी, 2 गोरखनाथ थाना में एवं 1 कैंट थाने में। सभी घटनाओं को सफलतापूर्वक जिनका अनावरण आज किया जा रहा है, इनमें से इनके पास से 4 चैन, सोने की चैन, 1 आईफोन जो कि इन्होंने चैन बेच के खरीदा था क्योंकि टिकटॉक के वीडियो अच्छे से नहीं बना पाते थे, इसकी वजह से इन्होंने आईफोन खरीदा था।
इनके पास से 48 रुपए कैश भी बरामद हुआ है, जो कि एक चैन बेचने के बाद में जो पीछे बचा पैसा है। इनके पास से सघन पूछताछ में एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। इसके साथ साथ जो लूट में प्रयोग की जाने वाली पल्सर गाड़ी NS 160 उसको भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। यह गाड़ी उसने EMI पे खरीदी थी एवं बीच बीच में जब जब उसको EMI की किस्त आती थी तब तब वह बीच बीच में रह रहकर लूट कार्य करता था। जनपद में साफ सफाई के दावों की पोल पिछले 12 घंटे से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश ने खोल कर रख दी है। ऐसे में जहां शहर के कई प्रमुख चौक चौराहों पर घुटने तक पानी लग रहा है, वहीं गंदे पानी के बीच आने जाने को स्थानीय मजबूर हैं। ऐसे में और बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। उसके बाद भी नगर निगम प्रशासन अब भी नींद से नहीं जाग रहा है। जनपद में सैकड़ों की संख्या में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए जनपद पुलिस ने कड़े प्रबंध कर रखे हैं। बता दें कि प्रत्येक मूर्ति के स्थापित स्थान से विसर्जन स्थल तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मूर्तियों का विसर्जन कराया जाएगा। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से RF SSB के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस लगाई गई है। वहीं नगर निगम के द्वारा वैकल्पिक पोखर बनाए गए हैं जिसमें मूर्तियों को विसर्जित किया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया। जनपद गोरखपुर में पूरे प्रदेश में महानवमी का पर्व हुआ, उसके बाद में आज विजयदशमी है। आज के बाद में सारी मूर्तियों का विसर्जन होना है। जनपद गोरखपुर में स्पेसिफिकली हमने इंश्योर किया है कि प्रत्येक मूर्ति के साथ एक नोडल ऑफिसर लगाया गया है, जिसका मुख्य कार्य मूर्ति जहां पे स्थापित की गई वहां से विसर्जन स्थल तक वो साथ में जाएंगे एवं उसके साथ साथ RAF एवं SSB की फोर्स भी लगी है ताकि उस सुरक्षा की दृष्टि से चौकन्ना रहकर रास्ते को क्लियर रखेंगे एवं उसके साथ साथ सभी मूर्तियां शांतिपूर्वक विसर्जित की जाए। इसके लिए 3 तालाब बड़े बड़े तालाब खुदवाए गए हैं नगर निगम द्वारा एवं नगर निगम द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की गई है ताकि किसी प्रकार की समस्या का मूर्ति विसर्जन करने में सामने ना आए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पिछले लगभग 12 घंटे से लगातार और रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, रोजमर्रा का कार्य करने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आगामी 9 अक्टूबर तक छिटपुट वर्षा के आसार बने हुए हैं। Thank you.
दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे फरियादियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात, समस्याओं को जान दिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान पहुंच तेंदुए के बच्चों का किया नामकरण, सफेद बाघिन व हिमालयन भालू को भी छोड़ा बाड़े में। वन विभाग द्वारा आयोजित वन्य प्राणी सप्ताह समारोह में बतौर मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ हुए सम्मिलित, कहा वन्य जीव पर्यावरण आदि की सुरक्षा को लेकर तय करे जिम्मेदारी। विजयादशमी पर भक्तों ने नाच गाकर मां को दी अंतिम विदाई। लूट की 6 घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर के साथ सामान खरीदने वाले दुकानदार को भी शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिर खुली नगर निगम के दावों की पोल, शहर के कई प्रमुख चौक चौराहों पर हुआ जल जमाव। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विसर्जित कराई जा रही है मां की प्रतिमाएं। और लगातार पिछले 12 घंटे से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने आम जनजीवन को किया अस्त व्यस्त। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।